हसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठ धरती पे आता है तो आप हमसे और कुछ सुने न सुने, बाद में सुने पहले सुने, लेकिन आप नाते पाक के चंद अशार और शंकर की अगर कोई औकात है, कोई हैसियत है, तो केवल औकात और हैसियत यही है कि ये सरकारें दो जहां 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये शंकर कैमूरी नात पढ़ता है, यही इसकी हैसियत है, यही इसकी खूबी है। एक बार आओ सब सीमांचल से जो आपकी दुआएं मिलती हैं, यही इसकी है। हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आप मूड में हो जाएं, और हमने नाते पाक के लिए सरकार की नात पढ़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, फिर नज्म पढ़ने के लिए या गजल पढ़ने के लिए या शेर और पढ़ने के लिए हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी उसूले बरकत के ये तो हमारी खुशनसीबी है कि ये जो शरफ हासिल हुआ तो शंकर को हासिल हुआ। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, और जो गंगा जमुनी तहजीबो तमद्दुन है और जो मुश्तरका तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, और इसी ताना बाना को भुन करके हमको रहना है। और हिंदुस्तान एक अपने हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने हिंदुस्तान के लिए। मैंने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। क्या कहने कैमूरी साहब बाबा, सुभानला सुभानला। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। और तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नात कह ले, तेरी जबान से उनका फैजान बोलता है। हमने कहा कि उठाओ हाथों में जब कलम तुम, और एक बात मोहब्बत से कह दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह हम ही कहेंगे क्या, जब शंकर कह सकता है तो गुलाम शब्बीर को क्या परेशानी है। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां अता करते हैं। सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हरूफ है। जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 90 नेकियां अता होती है। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। हसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, है अर्श उनका मकाम लिख दो। नबी को खैरुल अनाम लिख दो, है अर्श उनका मकाम लिख दो। नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। और चूंकि ताखीर हो गई है ये मुशायरा शुरू करने में, इसलिए एक शेर और पढ़ देता हूं कि क्या हलाल है और क्या हराम है। एक शेर पढ़ता हूं शंकर कैमूरी का, ये शेर कि वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह।
वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से, वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम। और मक्ता पेश करता हूं कि फरिश्तों फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, दुरूद लिख दो।